नमस्कार, आप NBC 24 देख रहे हैं और मैं हूं निखिल। बता दें कि बिहार में मानसून ने फिर से करवट ले ली है। अब कहीं ना कहीं मौसम जो है वो खुशनुमा हो गया है। एक तरफ से खुशनुमा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार जो 24 घंटे से है वो बारिश जो है लगातार हो रही है। लेकिन इस पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। कई जिलों में जो है भारी बारिश की संभावना भी बताई गई है और लगातार जो है गर्ज के साथ भारी बारिश की संभावना कई इलाकों में जो है वो बताई जा रही है। और कहीं ना कहीं बात करें कि कुछ दिनों पहले जिस तरीके का मौसम था बिहार में, पटना में लोग एसी और कूलर के बीच रहने को मजबूर थे, बिना पंखे के रहने के मजबूर थे। अब कहीं ना कहीं जो पारा है वो 6 से 7% नीचे चलाया है और अब तो पंखा भी चलाना जो लोगों को है वो मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। बिना पंखे के लोग रह पा रहे हैं। बता दें कि लगातार 24 घंटे से जो है वो पटना समेत तमाम जो इलाके हैं, ज़िले हैं, उनमें लगातार जो है वो बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी कर दिया है कि बीते 48 घंटे के अंदर अंदर भारी बारिश की संभावना भी है। और साथ ही साथ तमाम इलाकों में लोग जो हैं वो सतर्क रहें क्योंकि जिस तरीके से ओलावृष्टि और गरज के साथ बारिश होने वाली है, इससे कोई नुकसान ना हो लोगों को, इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बता दें कि मौसम जो है लगातार करवट ले रहा है। बीते 24 घंटे से जो है लगातार जो है पटना समेत तमाम इलाकों में जो है वर्षा हो रही है और कहीं ना कहीं अब पटना वासियों को उमस भरी गर्मी से राहत मिल गई है। लगातार जो वर्षा की जो है बात करें तो लगातार जो गर्मी का आलम था पटना वासियों को, जो गर्मी में दिन चल रहा था कुछ दिन पहले, उमस भरी गर्मी भी साथ साथ लोगों को पसीने भरी गर्मी में जीना पड़ रहा था। लेकिन अब लगातार जो 24 घंटे से बारिश हो रही है, इससे कहीं ना कहीं तमाम बिहारवासी और पटनावासी को राहत मिला है। निखिल, अब बिहार में जितने किसान हैं, बिहार कृषि क्षेत्र रहा है और यहाँ के किसानों को क्या इस वर्षा से कितने फायदे होंगे, अब ये देखना है। निखिल, जिस तरीके से मौसम विभाग लगातार जो अलर्ट जारी कर रहा है उससे कहीं ना कहीं संभावनाएँ काफ़ी ज़्यादा चिंता करने वाली है। अब लगातार जो वर्षा हो रही है इस पर कहीं ना कहीं अब जो अपडेट्स है वो आपको देते रहेंगे। लगातार जो मौसम विभाग जो है वो अलर्ट जारी करता रहता है और उन्होंने इस बार जो अलर्ट है वो 48 घंटे को दिया है क्योंकि जिस तरीके से लगातार 24 घंटे से वर्षा हो रही है, कहीं ना कहीं तमाम इलाकों में जलजमाव की स्थिति भी पैदा हो रही है और ये प्राकृतिक होता है। लेकिन कहीं ना कहीं इससे लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। अब देखना यह है कि लगातार जो बारिश हो रही है इससे पटनावासी और बिहारवासी को कितनी राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग जिस तरीके से बीते कुछ दिनों से अलर्ट जारी कर रहा है, लोग गर्मी का आलम था पटना में और इससे लोग काफ़ी परेशान थे। अब इस खुशनुमा मौसम में लोग अब काफ़ी राहत महसूस कर रहे हैं। तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ। अपने सहयोगी पंकज के साथ मैं निकला।